ये वो इमारत है जहां देश के शीर्ष पदों पर हो रहे भ्रष्टाचार और कानूनी अव्यवस्था से निपटने के लिए खुफिया योजनाएं बनाई जाती हैं। आज भी यहां एक ऐसी ही योजना बन रही है। अजीत सिंह, हमारे प्लान के मुताबिक अशोक नगर के लिए तुम्हारे ट्रांसफर का इंतजाम इस तरह कर दिया गया है कि खुद तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी किसी को यह शक नहीं होगा कि तुम्हारा ट्रांसफर एक रूटीन अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि हमारी एक गुप्त योजना है, अ सीक्रेट मिशन। और हां अजीत सिंह, मैं तुम्हें एक खास बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं और वो ये है कि इस मिशन में तुम्हारा वास्ता जिन लोगों से पड़ने वाला है वो मामूली लोग नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी मुट्ठी में सत्ता और कदमों में अफसरशाही है। इसीलिए इस काम में तुम्हें न सिर्फ हमारे खुफिया विभाग की बल्कि हमारे मंत्री जी की भी पूरी मदद मिलेगी। यकीनन मिलेगी अजीत सिंह, मैं केंद्रीय मंत्री की हैसियत से इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर मेहरा के सामने तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे इस मिशन में देश की सरकार तुम्हारे साथ हर कदम पे और हर वक्त है। इसका सबूत है तुम्हें दी गई स्पेशल पावर्स। मिस्टर मेहरा, प्लीज कीप दिस ऑन रिकॉर्ड। इस मिशन को कामयाब बनाना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। फर्ज के साथ साथ कर्ज भी है सर। कर्ज? हाँ सर, अशोक नगर मेरी जन्मभूमि है। आई सी, वहां कौन कौन रहता है तुम्हारा? अब तो बस मां की यादें हैं और बच्चों ने देखा एक सपना कि बड़ा होकर अशोक नगर के लिए कुछ कर पाऊं। मुझ पर भरोसा रखिए सर, अशोक नगर से मैं जुर्म और जुल्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गुड लक टू यू अजीत सिंह एंड टू योर अशोक नगर। चाचा लाए 7 कटोरी, 6 कटोरी हो गई चोरी, 1 कटोरी फूट गई, मम्मी की बेटी रूठ गई। नहीं, पापा की बेटी रूठ गई। लेकिन पापा की बेटी क्यों रूठी? पापा ने आज नहीं पप्पी ली। एक नहीं ले, दो दो पप्पी, अब तो मुस्कुरा ले। आटे बाटे दही चटा के बर्फूले बंगाले, चक घुम गाते गाते आजा मौज मना ले। आटे बाटे दही चटा के बर्फूले बंगाले, चक घुम गाते गाते आजा मौज मना ले। चक घुम चक दुम चक दुम हो, चक दुम चक दुम। जैसे 5 उंगलियों से 1 हाथ का है सरदार बना, वैसे 5 जनों से ही हम लोगों का परिवार बना। जैसे 5 उंगलियों से 1 हाथ का है संसार बना, वैसे 5 जनों से ही हम लोगों का परिवार बना। सबसे छोटी उंगली मुन्नी मैं हूँ इस चुटकी के बाद, बीच की उंगली पढ़ के चाचा फिर मेरी भाभी जिंदाबाद। पापा मेरे देखो प्याले प्याले आते बाते। Thank you.
जीवन का सुख मिलता है, अगर ये अलग अलग हो जाए तो दुख ही दुख मिलता है। प्यार से मिलकर रहने में ही जीवन का सुख मिलता है, अगर ये अलग अलग हो जाए तो दुख ही दुख मिलता है। अपना मेल मिसाल बने देखे ये दुनिया वाले, आटे बाटे हाँ आटे बाटे दही चटा के पर भोले बंगाले, चकदुम चकदुम गाते गाते आजा मौज मना ले। चकदुम 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 हो चकदुम चकदुम। आसुदा, माँ याद आ गई थी। ये तुलसी है ना, माँ की लगाई हुई है, अभी भी इसमें से माँ की खुशबू आ रही है। बाबू काका दरवाजा खोलिए, हम लोग आ गए। ये हमारा वक्ती गुसल है और वक्ते गुसल में ही हमको शेर सूझते हैं। नौजान जरा आग से साबुन हटाइए और एक आज शेर सुनाइए। अरे अजीत भैया, कमबख्त साबुन ने आंखें बंद कर रखी थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आ जाओ सामान मुझे दे दो। वाय घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी सामान को देखते हैं। अरे मामू जान, घर को तो आपने घोंसला बना रखा है। घर का हुलिया बिल्कुल अपने जैसे बना रखा है। बिल्कुल ए, नहीं, नहीं। भैया अभी तो हम यहीं रहेंगे ना? हाँ यहीं रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अब उस मकान का महीने का 2,000 रुपया बचा। हाँ वो तो बच जाएगा। भैया मैं सोच रहा था कि अगर वो मुझे हॉस्टल के खर्चे के लिए। जो खर्चा मैं तुझे भेज रहा हूँ कम पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं भैया वो बात नहीं है, पर आपने मुझे टॉप के कॉलेज में दाखिला दिलवाया है और फिर माँ रईसों के बेटे आते हैं। देख विक्रम, टॉप के कॉलेज में मैंने तुम्हें इसलिए डाला है कि टॉप की पोजीशन हासिल करो, इसलिए नहीं कि रईसों की पोजीशन देखते फिरो। तुम बात करने से पहले सोच लिया करो जरा। सुझा
आज माँ जिंदा होती और हम सबको इस घर में एक साथ देखकर कितना खुश होती। पापा पापा। हाँ बेटे। ओहो ना मम्मी, हमें पापा के पास बैठना है। अच्छा पापा, कितना बड़ा घर है। हाँ बेटे, अपना घर तो बहुत बड़ा है, लेटेगा? अच्छा लेटे, शाबाश। अरे भाई जगह दो ना मेरे बेटे को। अक्सर मैं ये सोचती रहती हूँ, लोग क्या क्या कहते रहते हैं सौतेले शब्द के बारे में, लेकिन इस घर में आप भाइयों को देखकर ढूंढने से भी पता नहीं लगता कि कोई सौतेला है। सुधा, ये शब्द फिर कभी अपनी जुबान पर मत लाना, तुम नहीं जानती माँ ने अपने सगे बेटे विक्रम और जय से भी ज्यादा मुझे प्यार दिया है, उस प्यार का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। अब देखना यह है कि जिस तरह माँ ने मुझे पुलिस ऑफिसर बनाकर अपना सपना पूरा किया है, उसी तरह विक्रम और जय को भी मैं किसी काबिल बनाकर अपना सपना पूरा कर सकूं। भगवान करे आपका सपना पूरा हो। जय, अपना ये जो मकान है ये कितने का होगा? कम से कम 25-1 लाख का तो होगा ही। अगर हम इसे बेच देते हैं और उस पैसे से बिजनेस करते हैं, क्या ख्याल है जय? अरे गवर्नमेंट हमको लोन भी तो दे सकती है, 30% अपना, 70% उनका, फिर तो ऐश ही ऐश। ए कैलकुलेटर, इन कैलकुलेशंस में तू माँ की नसीहतों को तो भूला ही, भैया की भी सारी बातों को भूल गया। विकी, हमेशा ऐश की ही नहीं, कभी कभी देश की भी सोच लिया कर। और अगर भैया ने तेरी ये नई कैलकुलेशन सुन ली ना, तो ऐसी ऐश कराएंगे कि हॉस्टल जाकर भी याद आती रहेगी। यहाँ विक्रम आया। भैया। जी भैया। तू 5:30 की गाड़ी से जा रहा है? जी भैया। मैं तो दफ्तर में रहूंगा, तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकूंगा। वो भाभी से पैसे ले लिए ना? वो ले तो लिए थे। लगता है कम दिए हैं, बड़ी कंजूस है ये सुधा। ये लो। नहीं भैया। रख ले रख ले, रईसों के साथ उठना बैठना है ना तेरा। तुम दोनों भाइयों की नोक झोंक तो हमेशा चलती रहेगी, ये ले रख ले। और सुन, सुबह शाम दूध जरूर पीना, एक्सरसाइज करना और दिल लगा कर पढ़ाई करना। जी भैया। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। जी भैया। जीते रहो। हाँ, पहुंचते ही फोन जरूर कर देना। ठहरिए ठहरिए, एसीपी साहब, आज ऑफिस में ड्यूटी का पहला दिन है। वाह, व्हाट ए वाइफ। अच्छा सुनिए, आज शाम की फ्लाइट से रेनू आ रही है, उसे लाना नहीं भूलना। रेनू आ रही है? अपने रेनू आ रही है? कौन सी फ्लाइट से आ रही है? वो देर हो रही है ना। अबे जरा ठीक से दबा ना। आइए साहब, मेरा 6 महीने का चाय का पैसा। जी है के कदम। सर सुभाष यादव। भागवत। यस सर। इंस्पेक्टर निहाल सिंह। यस सर। कितनों को निहाल कर चुके हो? कैसे हो महेंद्र सिंह? मेहरबानी है सर। लगता है पूरे स्टाफ का बायोडेटा लेकर आया है। स्टाफ का ही नहीं, पूरे शहर का बायोडेटा लाया। आइए, जरा आ गए ना। इंट्रोडक्शन तो हो गई, अब जरा आपकी खैरियत भी पूछ ली जाए। तो कहिए निहाल सिंह जी, कहां कहां से कितना हफ्ता मिल जाता है?
ये आप क्या कह रहे हैं सर? या ना हफ्ता आता है ना महीना आता है सर, कुछ भी नहीं आता। ये दिवाली, होली, ईद नहीं सर, बकरीद, बकरीद, क्लीन सिटी है सर, क्लीन पुलिस। आप तो मजाक करते हैं सर। इसमें मजाक ही क्या बात है, आप मुझे ऑफिसर मत समझिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मेरा हक बनता है जानना कि कहाँ कहाँ से कितना कितना माल बन जाता है। लगता है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करनी ही पड़ेगी, जरा अंदर आइए। आइए। महेंद्र सिंह सर, तुम बाहर रहो और ये दरवाजा बंद करते जाना। ओके सर। ये साहब, ये नया साहब है, सब लोगों को अंदर बुलाया, ये चाय और भजिया तो बाहर है जी। अंदर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है? ये मीटिंग है या मीटिंग है? हेलो साहब, को फोन देना। साहब जरा कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में बिजी है। हेलो। तो दिवाली, होली, ईद कुछ नहीं मिलता है? मिलता है सर, सब मिलता है, दशहरा और न्यू ईयर भी मिलता है सर। खांड बाजार से 5,000 सर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से 8,000, बुल्ला की कैंडे से 3,000, कुल मिलाकर 16,000 मिलता है सर। 16,000? अरे नहीं, बाकी बिहारी के मीना बाजार से 25,000 सर। अब लोग जबरदस्ती दे जाते हैं तो हम क्या करें सर? अब कोई किसी से हफ्ता नहीं लेगा सर, हम आपका सिस्टम समझ गए सर। आपका फोन है सर। हेलो। मैं इतनी देर से फोन पे इंतजार कर रही हूँ, आज पहला दिन है और आज इसे अपना सिस्टम शुरू कर दिया। खड़े क्यों? बैठ गए? दांत तोड़ दूंगा। हाँ? क्या? मेरे दांत तोड़ोगे? अरे एक घर तुम्हारा नहीं, मेरी सास का साथ। सुधा तुम खामखा गुस्सा कर रही हो, मैं तो यहाँ स्टाफ का जरा सिस्टम ठीक कर रहा था। और हाँ, वो रेनू को लेने के लिए एयरपोर्ट जय को भेज दिया है मैंने। पर जय मेरी बहन को नहीं जानता, वो उसे कैसे पहचानेगा? सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। ओह गॉड, पहचानूंगा कैसे? एक्सक्यूज मी, रेनू, वाह क्या हैंडसम लड़का भेजा है तेरे डैडी ने तुझे लेने के लिए। ओ, अरे डैडी ने मुझे इन्हीं को तो देखने बुलाया है इधर। अच्छा? हाय हाय। रेनू, रेनू, आई एम रेनू। रेनू, भाभी की बहन और डबल रोटी। अजी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हुई थी, हुई थी, मगर आपको देखकर सब गायब हो गई। चले कहाँ? घर और कहाँ, वो सब सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं मेरे लॉलीपॉप। शुक्र है भाभी की एक ही बहन है। मामू, 3-4 एस्प्रो और एक बड़ा जग पानी का ले आओ जल्दी। जय, आ गया तू? हाँ भाभी, आ गया, और आपकी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी बहन को भी ले आया। रास्ते में 260 रुपए की चीजें तो खा गई, ऊपर से कहती है खाना भी खाएगी, वाह। भाभी, ये आपकी सगी बहन है? हाँ हाँ।
रेनू लेकिन आप हैं कौन? आपकी बहू दादी और मैंने तो इन्हें पसंद कर लिया है। आपको मैं कैसी लगी इनके लिए? ये भाभी, ये आपकी बहन क्या बकवास कर रही है? ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन आपसे पहले यहाँ पहुँच गई। वो रही मेरी बहन। मेरे 260 मेरे पास नहीं है। एक्सक्यूज मी, वाह दीदी वाह, कमाल के लोग हैं। कौवे और हंस में फर्क नहीं कर सकते और चले हैं आईपीएस बनने। गुड्डी तुम्हें पता है कौवे और हंसों का फर्क करना जंगली लोगों का काम है, आईपीएसों का नहीं। शक्ल मुर्गी जैसी और बनने चले हैं हंस। रेनू आंटी, आप छोटे चाचा से जीत नहीं सकती। माय फुट टूट गया क्या? क्या बात है बेटे, क्या चाहिए? आप ही जीत अंकल हैं? हाँ। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? कौन है तुम्हारे पापा? ये क्या देख रहा है? दोस्ती क्या होती है ये किताबों में पढ़ी सुनी है, पर महसूस की है तुम्हारे साथ रहकर अजीत। अभी तो शुरुआत है यार, वक्त आया तो बताएंगे दोस्ती क्या होती है। ये दुनिया मिसाल देगी हमारी दोस्ती की, ये ले चाय पी। तू चौहान साहब का बेटा है? क्या? कहाँ रहता है तू? कौन है तू? आना मत, मैं मारूंगी। आना मत, जा जा यहाँ से, जा यहाँ से, चल जा। मम्मी, मम्मी इनको मारो मत, मम्मी, मम्मी इनको मारो मत, मम्मी, मम्मी इनको मारो मत, मम्मी, ये हमारे दुश्मन नहीं, पापा के दोस्त हैं, अजीत अंकल। तो फिर ये उन्हें जरूर बचाएंगे। आप चलिए, वो लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, चल के बचा लीजिए। आप क्या जुड़ती हो, सब लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। कौन मारना चाहते हैं? आप चल के उन्हें बचा लीजिए, चलिए चलिए, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप नहीं जाएंगे? आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे? आप भी उन सबकी तरह कायर हैं? जाओ यहाँ से, क्या लेने आयो? जाओ, मैं कहती हूँ नहीं चाहिए मुझे। जाओ तुम भी। मिसेस चौहान, क्या हुआ आपको? होश में आइए। मिसेस चौहान, मुझे पहचानिए, मैं अजीत सिंह हूँ, चौहान का दोस्त। हाँ, आप मेरे पति को बचाएंगे? आप बचाएंगे उन्हें? हाँ मैं बचाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ उन्हें? मुझे बताइए क्या हुआ उन्हें? अरे कमाल है, लोग अपनी शादी की सालगिरह पर खुशियां मनाते हैं, पार्टियां देते हैं, और आप हैं कि आज भी चल रही है ड्यूटी पर। अरे मैडम, ड्यूटी निभाते हैं हम, इसीलिए हम हैं, वरना हराम खोर कहलाते, रिश्वत खाते मुजरिमों से और रिश्वत खोर कहलाते। आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। अब कम से कम शाम को खाने के वक्त घर पे जरूर आ जाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी जल्दी।
इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में आप एक सच्चे सिपाही हैं, जिसकी ईमानदारी को काली की रिश्वत भी नहीं खरीद सकती। इंस्पेक्टर साहब, अपने सुहाग की बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, जल्दी चलिए, वरना काली के हाथ से मेरे पति को मार देंगे। रामजादा, आज तक मैं तुम लोगों को छोड़ता रहा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कई गवाह नहीं थे तुम्हारे खिलाफ। इस शहर को तुमने अपने बाप की जागीर समझ रखा है, जागीर समझ रखा है। इंस्पेक्टर बाबू, जनता का सेवक, आपका तुच्छ सेवक, काली शंकर पीली टोपी वाला, यानी के इन पिल्लों का कुत्ता। सत्य वचन, लेकिन शिकारी कुत्ता। इंस्पेक्टर बाबू, हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझे। वकील बाबू, ये रहे इन लोगों की जमानत के पेपर्स। ब्लडी जमानत। जमानत के इस हथियार ने हम वर्दी वालों को अपाहिज बनाकर रख दिया है। इंस्पेक्टर बाबू, एक बात बोलूं, तुम वर्दी वाले इस कानून के सिर्फ रखवाले हो और हम टोपी वाले इसके मालिक हैं। मालिक, और ये जो तुम्हारा कानून है ना, ये हमारी जेब में है। काली साहब, इस वर्दी वाले का हिम्मत तो देखिए, आईन इलेक्शन के टाइम में हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसका तो एक ही इलाज है काली साहब, इस पुलिस स्टेशन में इसकी ऐसी मौत कि जिसको सुनकर अशोक नगर का हर आदमी दहल जाए। हाँ, और हमारा दहशत और बढ़ जाए। खामोश, ये न समझना कि सामने कोई मुर्दार खड़ा है। कहते हैं जिसे चौहान, ये तुम्हारा बाप खड़ा है। महेंद्र सिंह, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुमने कुछ नहीं देखा, नहीं तो तुम्हारी अपाहिज बहन, समझ गए ना? चलो चलो। काली शंकर, तूने बहुतों की मौत का तमाशा देखा है, आज अपनी मौत का तमाशा देख। अरे काली, उस दिन जब वो खाना खाने घर वापस नहीं आए तो मैं उन्हें खाना देने राजू को साथ लेके पुलिस स्टेशन गई। वो तूफानी रात थी, वो तूफानी रात मैं कभी नहीं भूल सकती। इंस्पेक्टर जॉन, रुक जा, वरना मैं तेरी बच्ची की जान ले लूंगा। गद्दार। हाँ गद्दार, कमीना, नमक हराम, दे दे जितनी गालियां दे सकता है दे। तेरी ये गालियां काली जी के सामने मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है। छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे मीने, छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे। पापा, अब इंस्पेक्टर, तू मुझे मेरी मौत का तमाशा दिखाना चाहता था ना? चल देख, देख, देख इसे। काली शंकर पीली टोपी वाले पे हाथ उठाने का अंजाम साले। को
मचा लीजिए, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। भाई साहब आगे चलिए, उन्हें मचा लीजिए मेरे पति को, वो लोग मार डालेंगे। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे पति को मचा लीजिए, मच जाइए। आप लोग मेरे पति को मचा लीजिए, रुक जाइए। जाओ बुजदिला जाओ, तपन सको तुम सब लोग, चूड़ियां पहन लो हाथों में। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आपके प्रिय नेता निराशा के अंधकार में आशा के सूरज श्री शंभुराज जी आपसे दो शब्द कहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे हम। आज से हमारा परम कर्तव्य रहेगा इस देश की जनता की रक्षा करना, इस देश की न्याय की रक्षा करना। भले हम इलेक्शन में हारे जीते हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है जनता की सेवा करना, जनता के प्रति जीवन समर्पित करना। और यह हमारा वादा नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है। जय हिंद, जय जनता। शंभुराज जी की जय, शंभुराज जी की जय, शंभुराज जी की जय, शंभुराज जी की जय, शंभुराज जी। शंभुराज जी, शंभुराज जी, मेरी मदद कीजिए। काली और काली के आदमी मेरे पति को बहुत बुरी तरह मारे, वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने, उनकी जान बचा लीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, अभी चलिए उनकी जान बचा लीजिए, वो उनको मार डालेंगे। आइए हमारे साथ। देखता हूँ कौन बताता तुझे, काली शंकर पीली टोपी वाले हाथ उठाता है। उठा अब उठा। मेरे बच्चे क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या करते तुम लोग? अरे हम पूछो था क्या करते चिरकुट तुम लोग? अरे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुमका? अरे कानून का रखवाला है उसे मारते हो, मारते हो तुम? हाँ, कानून के मुंह पर तमाचा मारते हो, कानून के मुंह पर तमाचा? देखो तो ससुरा कैसा देख रहा है, चल इधर यहां से। कैसा मारा है, कैसा मारा है? अरे हम पूछते हैं ऐसा मारते हैं का? ऐसा मारते हैं? अरे इसे तो ऐसा मारते हैं। चिरकुट, कितनी बार मना किया था पर माना नहीं। कहता था इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग नहीं करने देगा। बहुत हुआ, बहुत। बस अब एक कहानी खत्म हुई। वतन पे मिटने वालों की यूं खत्म नहीं होती कहानियां, हमें तो फिर भी याद रखेगी दुनिया, नहीं रहेंगी तुम्हारी निशानियां। साली पागल हो गई। वाह रे चिरकुटवा, अरे देखा ये का कहते हैं देशभक्ति, मरते मरते भी बोला। काली अब
कहानी का तो शहीद बनाना चाहिए ना। निहाल सिंह, पंचनामा तैयार करो। पंचनामा तो पहले से तैयार है काली जी। अच्छा, विपक्ष पार्टी वालों ने थाने पर हमला कर दिया। हाँ। एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में हमारा बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर चौहान शहीद हो गया। अरे वाह। और शंभुनाथ जी, अब आप इस बहादुर और ईमानदार शहीद के खून से अपना राज तिलक करेंगे, क्योंकि चार दिन के बाद आप चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की जय। फिर उनके खून का टीका लगाकर शंभुनाथ ऐसा मुख्यमंत्री बना कि सारा राज्य उसका और उसके गुंडों की जागीर बन गया। लोगों को लूटना उसके गुंडों का पेशा बन गया और औरतों की इज्जत से खेलना उनका शौक। शंभुनाथ तो दूर, उसके गुंडों पर भी हाथ डालने की आज किसी की हिम्मत नहीं होती। मेरे दोस्त, तेरा बदला अब मैं लूंगा। जिन वतन फरोशों ने तेरे साथ ये षड्यंत्र रचाया है, वो अब जिंदा नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। वो शंभुनाथ के साथ जो जंग तूने शुरू की थी, उसे मैं लड़ूंगा। तेरी शहादत की कसम, इस जंग की चर्चा भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर होगी। अजीत सिंह, ये तो बता, तूने हमें पकड़ा किस जुर्म में है? धारा जानना चाहता है? धारा 41 अंडर सस्पेंशन। महेंद्र सिंह, बाहर से दरवाजा बंद कर दो। जानता है, हम मंत्री के आदमी हैं। शट अप! मैं जानता हूं तुम किसके कुत्ते हो। आज तुम लोग अपनी जबान से खुद बकोगे कि तुम लोगों ने कितनी चोरियां की हैं, कितने डाके डाले हैं, कितने खून किए हैं और कितनी औरतों की इज्जत लूटी है। एसीपी अजीत सिंह, तुम हमारे लोगों को धारा 41 का तहत अंदर किया है, उस सब का जमानत। तुम्हारे रहते क्या हो गया? क्या करता है तू यहां? हम बच्ची पांडे, रूलिंग पार्टी का नगर सेवक। तो फिर छोड़ देता हूं इन्हें। अब कोई भी गंदी हरकत करने से पहले इस डंडे को याद कर लेना। एसीपी, अशोक नगर में रहना है तो हमारे रास्ते में कभी मत आना। ओहो हो, नहीं तो ये वर्दी उतार के ना खूंटी पर टांग दूंगा। अच्छा जी, आंखें किसको दिखा रहा है? ओढ़ के रख दूंगा। जब साले बंद करो, अंदर कुत्ते की तुम। सर, इनकी जमानत हो चुकी है। सर, पहले किस धारा के तहत इन्हें अंदर किया था? जी, धारा 41। और अब पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हमला करने के जुर्म में धारा 332 के तहत मैंने अंदर कर रहा हूं। अगर तुम लोगों के पास जमानत लाने के तौर तरीके हैं तो इन्हें अंदर करने के तरीके मैं भी जानता हूं।
अब तुम जमानत पे जमानत लेते हो ना, मैंने बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम समझते हो कि तुम गुंडे हो तो मैं महागुंडा हूँ, पुलिस वाला गुंडा। एसीपी, ये एकदम धोखाधड़ी है। हम तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कराऊंगा जहाँ कुत्ता भी तुमको पूछने वाला नहीं होगा। एसीपी अजीत सिंह, तुम कानून से खेल रहे हो। मुझे कानून सिखाएगा वकील महेंद्र सिंह, ये सब करने करो। तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, मैं तुमको देख लूंगा। तो निहाल सिंह जी, सर जानते हो कौन सी दफा के तहत अंदर गए? जानता हूँ सर। 300 समझ गया। जबकि तुम्हें मालूम था कि बच्ची पांडे जी रूलिंग पार्टी के नगर सेवक हैं और वो खुद तुम्हारे पास जमानत लेकर आए थे, तुमने उनके कार्यकर्ताओं को दोबारा हवालात में बंद कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ क्यों? ऑफिसर, अगर अशोक नगर में रहना है तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वर्दी उतार कर खूंटी पे टांग दूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। आई विल डिसमिस यू, तुम्हें डिसमिस कर दूंगा मैं। ये आंखें किसे दिखाते हैं? आंखें फोड़ दूंगा। मिस्टर अजीत सिंह सीनियर ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने और से धमकी देने का नतीजा चाहते हो तुम? मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बस सर, यही मैंने किया है। मैं आपको बताना चाहता था कि बच्ची पांडे के गुंडों ने ऐसे ही गुस्ताख जुमले मुझसे कहे। सर, आप जैसे रिस्पेक्टेड और सीनियर ऑफिसर के जूनियर के साथ कोई ऐसा बर्ताव करे तो वो क्या करेगा? सर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? यही करते ना? यस यस, बट तुमने उनके साथ बच्ची पांडे और उनकी वकील को भी बंद कर दिया। उनको तो सर थोड़ी देर के बाद मैंने छोड़ दिया था। वेरी गुड, अच्छा किया। अभी तुम एक काम करो, उनके कार्यकर्ताओं को भी तुम छोड़ दो। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर, लेकिन पंचनामा हो चुका है। कोई बात नहीं सर, आप लिखकर दे दीजिए, मैं उन गुंडों को छोड़ दूंगा। आप सोच लीजिए सर, मैं आपके ऑर्डर्स का इंतजार करूंगा। अब कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। भाभी ने भी अजीब मुसीबत गले में डाल दी है। चली है आर्ट गैलरी देखने को। जेंटलमैन, This is the beauty of Bengal. This is the beauty of South. And this is Wow. This is the beauty of whole India. South ki badi badi surmai aankhein, Kashmir ke lal lal sep jaise gaal. Baby, क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर बना सकता हूँ? क्या नहीं? बेबी, जिस्म पे तुम्हारे कपड़े जरा कुछ कम होंगे तो पेंटिंग का मजा कुछ और ही आएगा। क्यों नहीं, sure, why not? बेबी, थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा क्या जनाब पेंटर साहब? आप जैसा नामी पेंटर मुझे पेंट करे और मैं पोस्ट तक ना दूं? ये लीजिए। बेबी, ए बुड्ढे, रुक रुक, ताले बेबी की औलाद। अभी अवार्ड दिलाता हूँ तुझे, पेंटिंग बनाएगा। कौन है ये? हट जाओ रेनो, बहुत देर से तेरा नाटक देखते आ रहा हूँ। बुड्ढे खुसट, हमें पाव है और जवानी चढ़ी है। मन ऐसा बनाएगा इसको, आइंदा नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। भाग यहाँ से। Oh.
क्यों होता है? कभी कभी इंसान जिसे झगड़ता है उसी से प्यार कर बैठता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार जुदाई में बदल जाता है। जैसे कल मैं पुलिस ट्रेनिंग में चला जाऊंगा और तुम अपने हॉस्टल। हाँ जय, और इस दूरी को मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? तुम मुझे चिट्ठी लिखना और मैं तुम्हें। नमस्कार एसीपी साहब, जनता का सेवक और आपका तुच्छ सेवक काली शंकर पीली टोपी वाला। अगर पीली शंकर काली टोपी वाले होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह साहब, आप तो बड़े कुछ भी साथ निकले। आपका ये स्वभाव देखकर मन प्रसन्न हो गया हमारा। एसीपी साहब, मैं आपके लिए एक तुच्छ भेंट लाया हूँ। पूरे 5 लाख रुपए लॉकअप का दरवाजा खोलने के लिए। नियार सिंह, ये साहब कौन है? जी सर, कुत्ते हैं, सुअर हैं, हरामी हैं, दलाल हैं, उठाए गिरे हैं, हैं क्या ये? सर, ये नगर समिति के प्रमुख कालीशंकर पीली टोपी वाले सर। ओहो, नगर समिति के प्रमुख हैं। नियार सिंह। यस सर। बेल्ट उतारो। जी सर। बेल्ट उतारो। यस सर। धुलाई करो इनकी। जी सर। नहीं समझे? नहीं, मैं समझा नहीं सर। जरा अंदर चलो।
नहीं, मैं समझ गया सर। दयाल सिंह, लगता है तुम नहीं समझे, तुम अंदर आ ही जाओ। मैं समझ गया सर। दयाल, बंद करो। ऐसे भी ये बात सीएम तक पहुंची तो बहुत भारी पड़ेगा। तुम जानते नहीं, मैं नगर समिति का हेड हूँ। अजय छोड़िए, क्या नगर समिति के हेड हैं आप? आपके हेड में तो खाक भी नहीं। देखिए, बात करने का कोई तरीका होता है। देखो, तुम्हारे आदमी ने चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, खून किए हैं, बहू बहनों की इज्जत लूटी है, और तुम लाए सिर्फ 5 लाख। अरे कम से कम पर हेड 5 लाख होना चाहिए। 5? तो एसीपी, मेरा मतलब है एसीपी साहब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप काली शंकर पीली टोपी वाले को नहीं जानते, उसकी गाड़ी में 25-50 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन सुनो, तब तक मेरे आदमी लॉकअप से बाहर होने चाहिए। अरे ऐसे कैसे बाहर होंगे? तेरे भेज में अकल तो है ही नहीं, पंचनामा हो चुका है, ऐसे कैसे बाहर छोड़ दूंगा उनको? हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा आज रात को। आज रात को? अरे निहाल सिंह, वो समझ गया ना? वो समझ गया सर। एक ही समझदार आदमी हमारे पूरे डिपार्टमेंट में। चलो चलो जल्दी निकलो, चलो चलो, चलो जल्दी निकलो। अरे खड़े क्यों, जाओ भागो भागो, निकलो यहां से, निकलो। और सुनो, ये डंडा पकड़ो, अपने तमांचे तो लेते जाओ भाई। जाओ, खुश रहो खुश रहो। सिंह, पंचनामा बनाओ, लिखो वो चारों लॉकअप तोड़कर भाग निकले। हमने वार्निंग के लिए हवाई फायर किया और उन्होंने जवाब में हम पर गोलियां चलाई। ओके सर। एनकाउंटर में चारों मारे गए। और सुनो जी, साथ में ये भी लिखो कि हमारा एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो गया। समझ गए निहाल सिंह? सर, एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर पर गोली? क्यों नहीं निहाल सिंह, एक बेईमान पुलिस ऑफिसर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जान ले सकता है, तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक बेईमान पुलिस ऑफिसर की जान क्यों नहीं ले सकता? निहाल सिंह, तुम इन स्टार्स के हकदार नहीं हो। अजीत सिंह, हमने सुना है तुम्हारा ये जख्म और लॉकअप में गोलियों का चलना सब तुम्हारा किया हुआ एक ड्रामा है। ताद देता हूँ आपकी काबिलियत की, एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही अपने सबॉर्डिनेट को समझ सकता है। लेकिन सर, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। आए? यस सर। और सर, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था
कि आप जैसा खुद्दार और कड़क पुलिस ऑफिसर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका जूनियर दो कोड़ी के गुंडों से 20 लाख की रिश्वत कबूल करे। आप बर्दाश्त कर सकते थे सर? यस यस, आई मीन नो, नेवर, बट आप फिक्र मत कीजिए सर, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसी भी इंक्वायरी क्यों ना बैठा दी जाए, मेरे इस ड्रामे को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। और फिर सर, जूनियर किसका हूं? आप जैसे खुददार और ईमानदार और शानदार ऑफिसर का। यस, बट वो 20 लाख रुपए सर, वो मैंने पुलिस विडो वेलफेयर फंड में जमा करवा दिया है। भगवान ना करे कल आपको कुछ हो गया तो हमारी विधवा भाभी का ख्याल कौन करेगा? उनकी देखभाल इसी फंड से तो की जाएगी ना सर। यस यस, लेकिन तुम काली शंकर पीली टोपी वाले को नहीं जानते। अच्छी तरह जानता हूं सर, उसके पास नगर समिति के 2000 खूंखार गुंडे हैं जो हम पुलिस वालों के घर पर तबाही मचा सकते हैं। यस यस, लेकिन इसका इंतजाम भी कर लिया है सर, धारा 144। यस सर, और दफा 144 लगते ही शहर में 4 आदमी एक साथ नहीं घूम सकते। बट आपके बट का मतलब ही मैं समझ गया सर, आपकी लगाई हुई दफा 144 का मतलब होगा माशाल्लाह, यानी कि लोग आपको डिक्टेटर कहेंगे, हिटलर कहेंगे। हिटलर भी क्या सर, ये छोटी छोटी मूंछें, और मूंछें तो आप हैं जनाब ये। सर सर, ये लीजिए सर, और कर दीजिए दस्तखत। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। बट ऐसी की तैसी तेरे बट की, जहां दस्तखत करने दो किए नहीं, जाने करने दो कर दिए। ओए तू पुलिस चीफ है या कोई हवलदार? सुनो मिस्टर काली शंकर पीली टोपी, कभी कभी हमें मजबूरी में अपना फर्ज भी निभाना पड़ता है। डोंट फॉरगेट पुलिस ऑफिसर, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है हमारा काम करना, हमारी बात सुनना। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला हमारे आदमियों को एनकाउंटर में मार दे और हम उसका जवाब ना दे तो जानते हो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि हमारा शहर में दहशत का अकाउंट क्लोज। हिसाब करके मुझों को छोड़ो अफसर बाबू, और फोन करो उधर जाके, ये जो तुमने 144 की धारा लगा रखी है उसे हटाओ, ताकि शहर में मेरे आदमी कुछ काम कर सके। अरे तुम लोग हमारी बात क्यों नहीं समझते हो? ये मामला अभी हमारे यहाँ से निकल गया है, अगर अभी कोई कुछ कर सकता है तो शंभुनाथ कर सकता है। बैठो बैठो। अरे तुम ये लोटे को काहे को देखत हो? अरे ये लोटा ही में तो भारत है ना, अरे तो अपनी संस्कृति है ना खुले में लोटा लेकर जाने की। लेकिन मंत्री लोग खुले में लोटा लेकर नहीं जा सकता। अरे चिरकट प्रोटोकॉल, काहे का कॉल प्रोटोकॉल। खैर छोड़ो, अपन लोग बोलो, अपन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? सर हम आपसे चंद सवाल करना चाहते हैं। बोलो बोलो। सर कल रात पुलिस लॉकअप में गुंडों को मारना, सिर्फ गुंडों को ही नहीं सर बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर निहाल सिंह की मौत भी। शहर में दफा 144 लगाना, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे जब गुंडा लोग पुलिस वालों को मारते हैं तब तुम पत्रकार हल्ला करते हो, और अब जब पुलिस वालों ने गुंडों को मारा तब भी हल्ला। अरे तुम पत्रकारों का नाम पत्रकार नहीं हाहाकार होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके राज्य की कानूनी व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है सर। आपके विरोधियों का कहना है बस करो, हमको दूसरी मीटिंग में जाना है। चलो निकालो निकालो। तुम भी? अरे खींचो खींचो। चलो चलो, दिल खुश हुआ तुम्हारा? चलो 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 चलो, अपने अपने काम को लोगो। चलो सुप्रभात सुप्रभात। अरे चिरकुट, हमसे बिना पूछे तू काम कब से करने लगा?
दफा 144 लगा दी तूने। हाँ लेकिन अच्छा ही हुआ, मंत्री होने के बाद पहली बार ये हो रहा है ना। अरे जनता में हमारा थोड़ा सा इंप्रेशन तो पड़ेगा ना। अरे क्या इंप्रेशन विम्प्रेशन पड़ेगा शंभुनाथ जी, उसने तो जनता में हमारी दहशत ही खत्म करवा दी। वो तो साला हीरो बन गया हीरो। ए काली, शंभुनाथ जी काली ठीक कह रहा है, आज उस हीरो का हाथ काली और उसके आदमियों तक पहुंच गया है, कल हम तक भी पहुंच सकता है हिसाब करके। डोंट फॉरगेट मिस्टर शंभुनाथ कि पब्लिक की वाहवा कमजोर से कमजोर आदमी से भी बहुत कुछ करवा देती है। इस एसीपी का ट्रांसफर कर दो। अरे इस समय वो का ट्रांसफर किया ना तो वो तो बहुत बड़ा हीरो बनेगा रे, इसलिए अब तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से काम लेना पड़ेगा। ठीक है। अरे बच्ची आज का हमरा का प्रोग्राम है रे? और सरकार यहाँ के बाद विधानसभा और शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग आगे, और फिर 10 बजे के बाद शहर से 20 किलोमीटर दूर विष्णुपुरी में का है गुलाबों का नाच। अरे तो कान में का कहत है चिरकुट, अरे जोर से बोलना गुलाबों का प्रोग्राम है करके। हम सभी तो जा रहे हैं ना। ए चिरकुट, आज रात का एसीपी का ड्यूटी वहीं पे लगा दे। वाह 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 दामोदर, तूने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की है हमरे। अरे शंभुनाथ जी, आपके लिए इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान हो ही नहीं सकता। बैठिए। वाह का बात है, मन प्रसन्न हुआ है? अरे लेकिन गुलाबो कहाँ है? गुलाबो वहाँ है। खनना खनक 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 करे, पायल छनक 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 करे। छनक करी पायल छनक 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 करी। मेरी अलबेली प्रिया देखो ये सिंगार, सजना पकड़ उठो आ गई बहार। कंगना खनक खनक छनक खनक छनक करी पायल छनक 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 करी। लंबी लंबी चोटी मेरी हाय देखो ना इन जैसी, बेहद होश करे ऐसी अंगड़ाई मेरी। ओ लंबी लंबी चोटी मेरी हाय देखो ना इन जैसी, बेहद होश करे ऐसी अंगड़ाई मेरी। चुनरी सरर 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 उड़े दिया धक्क धुकुर धक्क धुकुर धक्क करे। चुनरी सरर 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 उड़े दिया धक्क धुकुर धक्क धुकुर धक्क करे। मेरे अलबेले पिया देखो ये सिंगार, सजना मकर उठा आ गई बहार। कंगना खनक 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 करे पायल छन छनक छन छनक छन करे। चुकुर चुकुर भर के छावले को देख जा चुकुर चुकुर, मन में गुतुर गुतुर
आपको बुलाया है। आ गए थानेदार। शंभुनाथ जी वो थानेदार नहीं एसीपी है। अरे चिरकुट हमका मालूम है। अरे हमरे लिए तो एसीपी और थानेदार बराबर ही है ना। आजा अंदर आजा आजा। तो ही है थानेदार जिसने आने के बाद अशोक नगर में हंगामा कर दिया। अरे ये को तो इनाम मिलना चाहिए इसके लिए। रे बोल थानेदार, ये गुलाब और लोक कला केंद्र कैसा लगा तुमको? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। तो जा तेरा हुआ है, आज से ये गुलाब और कला केंद्र नहीं, स्पेशल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और तू का प्रिंसिपल। अरे प्रमोशन दे दिया तेरे को, खुश है ना? जी। जाप कर जा, बोरिया बिस्तर बांध ले और कल यहाँ आ जा, ठीक है ना? समझ गया हुजूर, मैं आपका इशारा समझ गया। सच पूछिए, कल रात जो मैंने गुस्ताखी की थी वो जानबूझकर की थी, ताकि इस धमाके की आवाज आप तक पहुंचे, आप मुझे बुलाएं, इस तरह आप तक रिसाई हो जाए। मैं तो आपके कदमों की खाक बनना चाहता हूं। आप तो एक विशाल दरख्त है जी, जिसकी जड़ों के तले ना जाने कितनी घास फूस पल रही है। बस थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए, मैं वादा करता हूं हुजूर कि पहले मैं आपका घर भरूंगा और कुछ बच कुछ गया उसे मैं बटोर लूंगा। अरे ये बटोरने के लिए हमरे पास ये सब चिरकुट है ना? आप बहुत भोले हैं हुजूर, ये बटोरने के लिए नहीं, लूटने के लिए है, लूटने के लिए। अबे नहीं कर रहे, एक रहे बेकार में बैठ। तू बोल रहे? बोलना ही पड़ेगा जनाब, वो आपने धौलपुर की जनता के मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड खोलने का फैसला किया है ना? आपने तो सिर्फ 100 एकड़ पर कब्जा किया है और जमीन के आजू बाजू में इन्होंने 500 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। जानते हैं क्यों? कि जैसे ही डिज्नीलैंड बनना शुरू होगा वो जमीन ये सोने के भाव बेचेंगे। आपने इनसे पूछा नहीं हुजूर? जरा पूछिए उसके टोपी वाले से पूछिए। अरे कहा रे चरकुट, इस अच्छा का? अरे शंभुनाथ जी, इस छोटी मोटी जूठन में आपको शामिल करके हम आपको छोटा नहीं बनाना चाहते थे। सुन लिया हुजूर, इसे ये छोटी मोटी जूठन बता रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये छोटी मोटी जूठन चाटने दीजिए, लेकिन आपके लिए हुजूर मेरे पास एक से बढ़कर एक स्कीम है। शंभुनाथ जी, आप क्यों इसकी बातों में अपना मगज जाया कर रहे हो? ये साला खुद 4-5 हजार रुपए कमाने वाला आपको क्या स्कीम बताएगा? अरे तू तो 4 रुपए हफ्ता लेने वाला गुंडा था जब हमरी पास आया था। तो बैठ, तो बोल रहे तेरा स्कीम बोल। हजूर स्कीम नंबर 1, आपके इलाके में बाढ़ आई हुई है और सेंटर आपको मदद के लिए 70 करोड़ रुपए दे रही है। अरे तो नहीं लेगा? लीजिए हजूर, जरूर लीजिए, लेकिन हजूर इस 70 करोड़ में से आप कितना खाएंगे? 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी नहीं। अगर आप मेरी स्कीम के मुताबिक चले तो आप 70 का 70 करोड़ खा जाइए और जनता की वाहवाह अलग। जनता की वाहवाह? अभी जनता क्या बेवकूफ है? जनता तो बेवकूफ है ही, जिसे नेता भी चुनना नहीं आता। डोंट से दिस। अरे डॉन साहब, आपकी कुंडली तो हमने आते ही पढ़ ली थी। आज से 5 साल पहले आप नकली नोट छापने का धंधा करते थे ना, और ये लाला जी उन नोटों को चलाया करते थे।
अरे एसीपी, इनकी जन्म कुंडली मैं जानता हूँ, तो अपनी स्कीम बोल। हुजूर, इनकी जन्म कुंडली में ही मेरी स्कीम है। वो नकली नोट छापने वाली मशीन अभी भी डॉन साहब के पड़ी सड़ रही है। उस मशीन को मंगवाइए, 70 करोड़ के नकली नोट छापिए और जनता में बांट दीजिए। और जो असली है हुजूर, उनका आप जो करना चाहे कर लीजिए। अरे चिरकुट, तेरा स्कीम तो बड़ा अच्छा है, मगर ये डानवा का नकली नोट हमने देखा है, फौरन पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा हुजूर? आप यहाँ के महामंत्री, मुच्छड़ पुलिस चीफ आपका चमचा और ये एसीपी आपका गुलाम, यानी कि इस गुलिस्तान की हर शाख पर उल्लू नहीं बैठे, गिद्ध बैठे हैं। गिद्ध मजालत चिड़िया भी पर मार जाए। अरे तू तो भयंकर चिरकुट निकला रे। हाँ साहब, आपका गुलाम है हुजूर, बस एक इल्तिजा है, काम हो जाए तो बंदे को बुड़बकेगा मत। राज्य के मुख्यमंत्री श्री शंभुनाथ चौबे आज बाढ़ पीड़ितों से मिले, जहां राहत कार्य जोरों से चल रहा है। केंद्र ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य सरकार को 70 करोड़ की धनराशि सहायता स्वरूप प्रदान की, जिसे आज मुख्यमंत्री श्री शंभुनाथ चौबे ने स्वयं अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों में वितरित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हर तरह से प्रभावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती रहेगी। अरे वाह डानवा, चिरकुट कमाल के नोट छापे हैं तूने। अरे बांटते समय हम भी नहीं पहचान सके एक नोट असली है या नकली है। अरे नारायण वा, जरा खोल तो सही पेटी, देखे चिरकुट एक साथ 70 करोड़ रुपया कैसे दिखाई देता है। अरे देखो रे, देखो चिरकुट। अरे इसे कहते हैं प्लानिंग, ब्रेन, ब्रेन। अरे हम तो कहते हैं चिरकुट अजीत सिंह को ही तुम सबका मुखिया बना दूं। शंभुनाथ जी, ये तो सारा का सारा नोट नकली है। क्या लगता है बे तू? हाँ, आंखें चुंधिया गई का तुम्हारी नई नई नोट देखकर? अरे नकली नोट तो हम खुद पहाड़ पीड़ितों में बांटा हूँ। अरे ये असली है असली। मुझे तो लागे है कि आपका अजीत सिंह आपके सास ससुर को चाल खिल गया। नकली नोटों की जगह असली नोट बटवाकर उसने एक ही झटके में सारा अकाउंट बराबर कर दिया है। अजीत सिंह आपसे मिलने आए हैं। नमस्कार शंभुनाथ जी, माफी चाहता हूँ मंत्री महोदय, इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में नकली नोट हैं और ये कि आप नकली नोटों का कारोबार करते हैं। ये रहा सर्च वारंट, मुझे मजबूरन आना पड़ा। अरे ये तो बता कि इस सर्च वारंट तेरे को दिया किसने? समझ जाइए ये किसने दिया होगा। जेंटलमैन, तलाशी शुरू करो। अच्छा खेल खेल लेता है रे तू। नकली नोटों के जुर्म में कितने साल की लगती होगी? ये खेल का अंजाम जानता है का रे तू? अच्छी तरह जानता हूँ अंजाम, तो अब तुम अपना सोचो शंभुनाथ। तुम्हारी इस काली करतूत की वजह से तुम्हारी कुर्सी भी जाएगी और जनता तुम्हारे मुंह पर कालिक पोतेगी। बदनामी का ये दाग जो आज मैंने तुम्हारे माथे पर लगाया है, इसकी वजह जानते हो तुम? इसकी वजह इंस्पेक्टर चौहान की शहादत है, जिसका कत्ल तुमने सरेआम पुलिस स्टेशन के सामने अपने हाथों से किया था और उसके मुकद्दस खून से अपने नापाक माथे पर तिलक लगाया था। तो इंस्पेक्टर चौहान का खून का बदला लेने को किया ये ड्रामा तूने? बिल्कुल इसीलिए मैंने किया है शंभुनाथ। अरे हम तो ससुरा पक्का चिरकुट निकला रे चिरकुट, समझा ही नहीं। अरे इसने तो वही लड़के पकड़े, पेड़ से काली को पिटवाया,
थाने में सबको मारकर वैसा ही पंचनामा बनवाया, तब भी हम समझा नहीं। अरे कितना बुड़बक है रे हम, कितना बुड़बक। बुड़बक का मतलब जानता है कब एसीपी तू? बेवकूफ। बेवकूफ समझ गया रे अजय सिंह, तेरा पूरा खेल समझ गया मैं, अब तो हमरा खेल देख। सर हमने सारा तलाश किया लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमने भी यहाँ सब देख लिया है, कहीं कुछ नहीं है। ऊपर भी हमने तलाशी ली सर, पर नकली नोट वहां भी नहीं है। तुम लोग नीचे इंतजार करो, मैं आता हूँ। ओके सर। ओके सर। इधर आए एसीपी। अरे हाँ ना चिरकुट। क्या किया नोटों का, कहाँ छुपा दिए वो नोट? देख हमरा खेल देख। देखा हमरा खेल। कुर्सी छिनवाएगा, मुंह पर काली पुतवाएगा, ले लिया इंस्पेक्टर चौहान की शहादत का बदला, अब तू शहीद बनेगा, तेरे खून का टीका अपने माथे पर लगाऊंगा और तेरा बुत बनवाकर तुझे अमर भी कर दूंगा। बुत तो नेताओं के लग के हैं शंभुनाथ, और मैं तेरा बुत जरूर लगवाऊंगा, ये वादा रहा। तेरे सलाम का जवाब जरूर मिलेगा चिरकुट। उधर नहीं, इधर। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लड़कियों को यहाँ आना मना है, अगर वार्डन ने देख लिया तो मेरी छुट। ओह गॉड, देखो रेनू तुम यहाँ से फौरन चले जाओ प्लीज। कमाल करते हो, मैं इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम जी भर के देख तो लेने दो। देखो रेनू तुम यहाँ से फौरन चले जाओ प्लीज। ऐसे कैसे? आम एक पप्पी दो ना। पप्पी? क्या बकवास कर रही हो? देखो रेनू मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे करियर की परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। गुड बाय। करे दीवाना दिल को है पागल, करे जुदाई है इश्क, करे दीवाना दिल को है पागल, करे जुदाई। अरे गिन गिन के दिल काटे मैंने, हो गई मैं सौदाई रे हो। दिल हमसे पूछता है कई बार ये सनम, दिल हमसे पूछता है कई बार ये सनम, तेरी बहर कैसे जिए जा रहे थे हम। सोच कर हैरान थे सनम, हम भी ये सोच कर हैरान थे सनम, तेरे बगैर
यार कैसे जिए जा रहे थे हम, ये हमसे पूछता है कई बार ये सनम। हसरत को हमने रोका, दिल को बड़ा बनाया, अरमान रुक न पाए, तेरा प्यार खींच लाया, तेरे दिल में जान बन के रहेंगे तेरी कसम। दिल हमसे पूछता है कई बार ये सनम। चाहे लोग उठाए उंगलियां, चाहे और सवाए, चाहे जुड़ी जाए पर नहीं छेड़ी और जुदाई, नहीं सैनी और जुदाई रे हो, 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 नहीं सैनी और जुदाई रे हो। कौन है भाई? अरे आओ ना विक्रम। पाई लगूं भाभी? ये पैर छू भाभी के? भाभी हम लोगों ने शादी कर ली है। शादी कर लिए? ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बताने का वक्त ही नहीं मिला। ये देखिए भाभी, ये देखिए, एक एक साड़ी के लिए आपको 10-10 बार सोचना पड़ता था ना, ये देखिए एक से एक कीमती साड़ी। और ये नहीं भाभी, ये देखिए। चाचा, चाचा दी इधर आ। गुड्डा चाचा, कपड़े जूते खिलौने, ये देखिए इतना सारा सामान। और ये मेरी जवान से पहली गुड्डी। थैंक यू चाचा। अरे मामू आप क्यों मुंह लटकाए खड़े? आपके लिए भी लाया हूँ मामू, आपको कैसे भूल सकता हूँ। हाँ वो देखो, ये दोनों के दोनों अटैच आपके लिए। भाभी आप जानती हैं भाभी मोना कितने बड़े खानदान की बेटी है? आपने नाम तो सुना ही होगा, सेठ कैलाश नाथ नारंग। मोना उन्हीं की बेटी है। एक मिनट भाभी, ये देखो भाभी, इतने पैसे, हम इन पैसे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, बंगला गाड़ी सब कुछ। भैया का सपना था ना मैं बड़ा आदमी बनूं, भैया के सारे सपने पूरे हो गए, मैं बड़ा आदमी बन गया भाभी, मैं बड़ा आदमी बन गया, भैया के सारे सपने पूरे हो गए, भैया कितने खुश हो गए, भैया के सारे सपने पूरे। अरे तू क्या मेरे सपने पूरे करेगा मेरी इजाजत के बगैर? इतना बड़ा कदम उठाकर तूने मेरे सपनों को आग लगा दी है। तू क्या समझता है ये रुपए देकर मैं खुश होऊंगा? ये रुपए मेरे लिए, ये क्या नकली नोट? इट्स अ टैप, मुझसे बदला लेने के लिए
उन लोगों ने तुझे अपनी चाल का मोहरा बनाया। नकली नोट रखने की सजा जानता है क्या? बरसों की जेल। पुलिस, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। सुधा, इसे अंदर ले जाओ जल्दी। आओ मेरे साथ। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। नकली नोट छापने के जुर्म में आदमी कितने सालों के लिए जेल जाता है मिस्टर अजीत सिंह जी? आ गए मंत्री के कुत्ते, मुझे नीचा दिखाने के लिए। क्या गंदी चाल चली है तुम लोगों ने। अरे सिम, शंभुनाथ चौबे, अरे चिरकुट, तेरे सलाम का जवाब मिल गया ना। नेकी और बदी की इस जंग में जब तेरी कोई चाल नहीं चली, तो मेरे छोटे भाई को जाल में फंसाकर मेरे ही हाथों मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अरे चिरकुट, रामायण में बाली के भाई सुग्रीव और रावण के भाई विभीषण को भूल गया का तू? हाँ, अरे भाई के हाथों भाई को मरवाना ही तो असली पॉलिटिक्स है ना। तेरी रामायण खत्म हो चुकी है चिरकुट, अब मेरी महाभारत देखना। डारी साहब, आप हिंदुस्तान के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट। थैंक यू डारी। मोना और विक्रम के लिए जो भी फार्म हाउस आप बनाएंगे, उसे बहुत लाजवाब तो होना ही है। ऑफ कोर्स। क्या यही है आपकी रईसी? अपने दामाद को दहेज में नकली नोट दे दिया आपने? विक्रम, तुमने अपने फार्म हाउस का ये मॉडल देखा है? ये स्विमिंग पूल, ये टेनिस कोर्ट, ये जिम्नेजियम, सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग। तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं सचारी से कह दूं। मैं ये फार्म हाउस और उसका मॉडल देखने नहीं आया हूं, आपको पुलिस स्टेशन ले जाने आया हूं। वहां चल के आपको बयान देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि वो सारे के सारे नकली नोट आपके थे। बस मिस्टर चारी। यस सर। मोना का कहना है कि इस फार्म हाउस में एक छोटा सा स्टेबल भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेबल होने से फार्म हाउस की शान बढ़ती है। या क्या ख्याल है विक्रम कुमार? मैं बकवास कर रहा हूं? बोले जा रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा? और मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, आपको फार्म क्यों पड़ी हुई? आपको मेरे से पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, बस प्लीज चलिए आप। डोंट शाउट माय डियर सन इन लॉ। देखो बेटे, जिंदगी में कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तुम्हारा सपना है जिंदगी में दौलत कमाना, तुम्हारे भाई का उसूल उन दौलत कमाने वालों के रास्ते में दीवार बनना, और तुम्हारे लिए इस दीवार का हटाना बहुत जरूरी था, और उसका यही एक रास्ता। इस देश में राम को अपने परिवार के लिए कुर्बानी देने की आदत है विक्रम। विक्रम, परेशान मत हो, पापा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। विक्रम, फिलहाल हम सबका चुप रहना ही ठीक है। Now cheer up, you have a drink and stop thinking. भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? जिसका लाडला देवर शराब के नशे में डूबा हुआ हो और जिसका पति बेगुनाह होकर भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा हो, उसे नींद कैसे आ सकती है? भाई, मैंने बहुत कोशिश की भैया को बचाने की, लेकिन भाभी, मैंने मोना की डैडी से कह दिया है, वो भैया को जेल में किसी किस्म की तकलीफ नहीं आने देंगे। हाँ भाभी, और भी उन्होंने कोई दुश्मनी निकालने के लिए थोड़ी भैया को जेल में डाला हुआ। ये तो भैया की ईमानदारी उनके रास्ते आगे शायद, और भी भैया को मैंने जो अपनी गंदी जबान से कभी उनका नाम भी लिया। विक्रम, हम लोगों से कौन सी गलती हो गई रे? हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तू इतना गिर जाएगा कि कैलाशनाथ नारायण का कुत्ता हो जाएगा। भाभी, चिल्लाओ मत, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं,
हमारा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर आपका नहीं बल्कि मेरे पति की माँ का है। इस घर के मालिक उनके सौतेले बेटे यानी आपके पति नहीं बल्कि उनके सगे बेटे यानी मेरे पति हैं। इसलिए घटिया आदमी की घटिया बेटी, आखिर तू उस सौतेले लफ्ज को इस घर में ले आई जिसको 25 सालों से मेरे कानों ने नहीं सुना था। बहुरानी, आप चलिए इस खादिम के साथ मेरे गांव के खराब के लिए हाजिर है। विक्रम बाबू, मेहनत से मिले दौलत तो अल्लाह की रहमत है, मिले हराम की तो शैतान की लानत है। पीठ पर मार कर अपनों के खंदर जो मिले दौलत, अरे वो लानत है, वो लानत है, वो लानत है। भाभी, आप मेरे साथ चलिए, मैं हूं अभी, मर नहीं गया। आंसू पहुंच लो सुधा, खून की जब नस कटती है तो उसका एहसास बाद में होता है। विक्रम को भी एक दिन एहसास होगा, वो वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। अजीत भैया, अगर आपके दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने में इस हद तक गिर सकते हैं तो अब बहू और बिटिया का इस शहर में रहना मुनासिब नहीं है। आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों को अपने घर पालमपुर ले जाऊं। ठीक है मामा। सुधा, तुम गुड़िया के साथ लेकर मामू के साथ गांव चली जाओ। नहीं पापा, मम्मी को मामू के साथ जाने दो, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटे, जिद नहीं करते, बच्चे यहाँ नहीं रह सकते। पापा यहाँ रह सकते हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? पापा, मम्मी को बोलिए मुझे आपसे दूर नहीं ले जाए। पापा, मम्मी, पापा, पापा, मम्मी को बोलिए ना मुझे आपसे दूर ना ले जाए। आंसू बड़े कीमती है, इनको यूं ही गिराओ, जिनके ये आंसू भी सूखे उनके लिए मुस्कुराओ। आंसू बड़े कीमती है, इनको यूं ही एक फूल है, ठुकरा नहीं ये भूल है, माना अंधेरे बहुत है लेकिन सवेरे बहुत है। एक तू अकेला नहीं है, जग में अकेले बहुत है। पतझर हुई ये जिंदगी, पैरों में छाले बहुत है पर चलने वाले बहुत है। एक तू अकेला नहीं है, जग में अकेले बहुत है। सूरज की ज्योति बने हम, आकाश बाहों में आए, मेहनत के मोती बने हम, सागर का मोती ल जाए। अपने चमन के हम बागबां, अपने वतन के हम पासबां, तूफान के धारे बहुत है,
फिर भी किनारे बहुत है, एक तो अकेला नहीं है, जग में अकेले बहुत है। क्या समझता है शंभुनाथ अपने आप को? तुम्हें इस तरह झूठा फंसवाकर वो समझता है कि वो बाजी जीत गया? अपनी स्टेट लेवल की छोटी सी पार्टी के दम पर वो समझता है कि केंद्र सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? अजय सिंह, अपनी सुप्रीम कोर्ट की अपील पर दस्तखत कर दो, ताकि हम तुम्हारा केस सेंटर में ले जाकर तुम्हें इस केस से साफ बचा सके। सर, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि मैं खुद को बचा सकूं? नो सर, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि शंभुनाथ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का जो मिशन मुझे दिया गया था वो अभी बाकी है। अब शंभुनाथ को मैं उसी की तलवार से काटूंगा। सर, मैंने आपसे कुछ रुपए मंगवाए थे। लाया हूं। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये रहा कैदियों का सामान और ये रही आपकी कमीशन। और सामान लाने में इतनी देर क्यों लगी? सर, कैदियों का सामान तो मुझे यूं मिल गया था, सारी देर तो आपकी वो स्पेशल गोलियां ढूंढने में हुई। ये लीजिए। कितनी बार कह सबके सामने मत दिया कर। अरे पांडु, हाँ, ये जेलर रोज किस चीज की गोली मंगवाते हैं? अरे चुप कर, तेरे को नहीं मालूम, वो अपनी बीवी को सताने के लिए गोली मंगवाई है उसने, और मैंने भी एक बार गोली खा ली थी, और ऐसी खा ली थी पूरे बदन में मेरे आग लग गई थी, आग, और ऐसी आग लग गई थी कि दीवार को सर पटक रहा था मैं, यू यू यू। स्कॉच। जेलर शमशेर सिंह कल्लू के गले में कौन है ये नवाब कैदी जो स्कॉच पीता है? वही एसीपी अजीत सिंह, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसका दिल दरिया है और उसके पास बहुत माल है। सर अजीत सिंह साहब जी, ये रहा आपका जामे सेहत और साथ में बाकी का सामान। वो चल गए? चल गए। क्या चल गए जी? अरे वो नोट। वो नोट? वो तो ऐसे चल गए जैसे फिल्म शोले चली थी। ये ले 100 का नोट। कुछ और मंगवाना है क्या? हाँ, इसमें से 50 पैसे की तो लाना मूंगफली जी, और बाकी के रख लेना तुम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बन गया काम हमारा। टोपी उतार जी। मेरे नहीं, अपनी। हाय, कैसी जेल में बंद कर दिया, कहीं कोई छोटा मोटा छेद भी नजर नहीं आ रहा। कौन? चल गए हैं। जेलर साहब, एक ढक्कन दूं? मैं सब कुछ जानता हूं, ये कहां से आई है। अजीत सिंह, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, जेलर शमशेर सिंह कल्लू को नहीं। किस बात का धोखा जनाब? नकली नोटों का धंधा करने के जुर्म में तुम्हें सजा हुई है ना? बदकिस्मती है जी, धंधा शुरू किया ही था कि पकड़े गए। लेकिन नोट पकड़े गए, मशीन नहीं। कैसे पकड़ी जाएगी जी? माँ की आंख। हाँ, जिस दिन मैं यहां से रिहा होकर जाऊंगा, उस दिन अपनी उस प्यारी मशीन पर इतने नोट छापूंगा कि दुनिया के हर बड़े शहर में मेरा बंगला होगा। दिन में ठुमरियां होंगी, रातों को मुजरे होंगे, अप्सराएं, रकाशा, नाच गाने, राक्ष। लौटा जेलर लौटा। वो अप्सराएं, वो रकाशाएं, वो कहां चली गई? अप्सराएं रकाशाएं कहां चली गई? आएंगी तो जाएंगे ना जेलर साहब, और आएंगी तभी जब मैं यहां से रिहा होकर जाऊंगा।
सुनो अजीत सिंह, तुम आज ही रात को यहाँ से रिहा हो सकते हो। सिर्फ बता दो वो मशीन कहाँ रखी है। समझ गया जेलर, तुम नकली नोट छापोगे। धीरे धीरे, जेल में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखना, 50-50 पार्टनरशिप, ओके? बस तुम मशीन यहां ले आना। हाँ ढक्कन दू? ढक्कन बाद में दो, पहले मेरी बात सुन लो। तुम इस जेलर शमशेर सिंह कल्लू को अच्छी तरह नहीं जानते। मैंने एक से एक खतरनाक कैदियों को यहाँ से बाहर करवा दिया है। समझ लो आज रात तुम बाहर हो गए। अरे राम प्यारे, क्यों छेड़छाड़ कर रही है? छेड़ नहीं छाड़ है बच्चे। अजीत सिंह, तुम जेल से बाहर आ गए? हाँ, तुम्हें ऊपर भेजने के लिए। रामू, नागा, शिवा, लोकेश, कहाँ मर गए तुम लोग? आज कोई नहीं आएगा। चला दूं इसे। जरा सोचो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओहो हो, तू बड़ा मासूम है, बड़ा भोला है, लेकिन वो बेचारे भी तो बहुत मासूम थे, भोले थे, जिनका खून तूने किया। राम साथे, जी सिंह ऐसा मत करना। देखो जरा सोचो, कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? रास्ता निकल सकता है और तू कर भी सकता है। बोलो। वो है नकद नारायण। ओ पैसा? अरे बोलो ना, कितना चाहिए? 1 लाख? 2 लाख? अच्छा ठीक है। क्यों भूल जाता है कि तू कितना बड़ा दल्ला है यार? अच्छा 5 लाख। 5 लाख? साले 5-5 लाख तूने मुझे उन लोगों की रिहाई के लिए दिया था जिन्हें मैंने छोड़ा था, याद है? हाँ। और तेरे नीचे तो कितने गुंडे काम करते हैं साले, तुझे तो अपनी हैसियत का पता नहीं है। 2000? और 2000 का 5 लाख के हिसाब से कितना बना? 5 लाख? चढ़ना भी नहीं आता साले को। 100 करोड़? 100 करोड़? 100 करोड़ तुमसे कौन मांग रहा है गधे? तू सिर्फ 50 करोड़ दे दे। 50? अरे अजीत सिंह ऐसा जुल्म मत करो, मैं भला 50-50 करोड़ कहां से ला सकता हूँ? जानता हूँ तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे दोस्त डॉन और लाला के पास बहुत पैसा है, है? शंभुनाथ के इलेक्शन में इकट्ठा किया हुआ काला धन है ना बच्चे? है? वो पैसा भला मुझे क्यों देंगे? वो तो चुनाव का पैसा है ना। वो मैं बताता हूँ कैसे आता है, जरा कान इधर ला। हाँ मैंने कौन सी तेरी चुम्मी लेनी है? इधर लाता हूँ। करके कहो कि इनकम टैक्स की धाड़ पड़ने वाली है, माल बचाना है तो माल लेकर तेरे पास पहुंचे हैं। अरे यार यार ये नहीं हो सकता। तो चला देता हूं गोली। अरे यार इसको तो परे करो, बार बार निकाल लेते हो। समझ गया मैं, अभी करता हूं फोन। अरे ये किसका फोन आ गया? देखो भाई। हेलो। हाँ लाला, मैं बोल रहा हूँ काली शंकर पीली टोपी। हाँ सुनो, अभी अभी शंभुना जी का फोन आया था, कह रहे थे कि विजिलेंस वाले तुम लोगों का डबल रेड मारने वाले हैं, इसलिए तुम और डॉन सारा ब्लैक मनी लेकर इधर आ जाओ। हाँ मेरे यहाँ जल्दी। अरे क्या हुआ लाला, इतना परेशान क्यों हो रहा है? किसका फोन था? हुआ नहीं है, होने वाला है डॉन, जल्दी चलो। क्या होने वाला है? क्या बात कर रहा है? चलो मैं रास्ते में सब बताता हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे जा रहे हो? लेकिन ये 50 करोड़ रुपया किसके लिए मंगवाया तुमने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ यूं समझ ले कि मेरी महाभारत का पहला अध्याय शुरू हो गया है। अरे जल्दी करो भैया, जल्दी करो लाला। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए यार, बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? हम पूरा पैसा और सोना लेकर आ गए हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार दिल्ली से कोई शंभुनाथ का फोन नहीं आया था, और ना ही तुम्हारे यहाँ कोई रेड बेड होने वाली है। वो क्या हुआ कि अजीत सिंह ने मुझे गन पॉइंट पर रखकर तुम लोगों को फोन करवाया और मैंने कर दिया। अजीत सिंह? अजीत सिंह कहाँ से आ गया? अजीत सिंह तो जेल में सड़ा है। अरे नहीं यार मेरा यकीन करो, अजीत सिंह ही आया था,
डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट कानी। अरे यार तू मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? विजिलेंस। थैंक यू मिस्टर काली शंकर पीली टोपी वाले इस ब्लैक मनी की खबर देने के लिए। क्या? आपका 20% कमीशन आपके घर पहुंच जाएगा। क्या बकते हो? क्या क्या बकवास है ये? ये सब बकवास है यार। कारे, अरे आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब उस हरामजादे अजीत सिंह की चाल है। वो हम लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल चिरको। डोंट फॉरगेट काली, हमारे सामने विजिलेंस वालों ने तुम्हें थैंक यू बोला और 20% कमीशन देने की बात भी कही थी। कही थी कि नहीं बोल काली? अगर तू उनसे नहीं मिला था तो उन्होंने हमारे साथ तुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो तो शंभुनाथ जी की बदौलत हम बच गए, वरना साले जेल की सड़कों में सड़ रहे होते। शंभुनाथ जी ने हमें बर्बाद किया, मैं साले काली को नहीं छोड़ूंगा। अरे सही बोला रे तू चिरकुट, छोड़ता तो हम भी नहीं का, मगर क्या करें मजबूरी। अरे हमने शपथ उठाई है ना कि मुख्यमंत्री होने के बाद अपने हाथों से किसी को नहीं मारेंगे। तो हम मार देते हैं। तूने हमारे साथ गद्दारी की है काली। ए डॉन, ए लाला, साला तुम मेरे को रिवॉल्वर दिखाता है? तुम लोग भूल गए इनको मंत्री बनाने के लिए मैंने कितने बेकसूर लोगों की जाने लिए। देखो शमुना जी, मैं पागल हो जाऊंगा, आप इस बात का कोई फैसला करो। बराबर है। अरे तो बराबर कहता है, इको इंसाफ मिलना ही चाहिए। अरे तुम दोनों को इको मारने का अधिकार दिया तो इको बचने का तो अधिकार देंगे ना हम। अरे ये तो हमरे नगर समिति का हेड है, तो तुम दोनों को इका हेड को गोली मारना है, यानी के सर को, और तुम दोनों को उतना ही टाइम मिलेगा जितना कि इको सीढ़ियां चढ़ने में लगेगा। और समझो इसने अपना सर बचा लिया तो इको माफ, ठीक है? काले भाग। और अगर मैं बच गया ना तो साला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सच कह रहा हूं, इस अजीत सिंह की चाल थी, ये सब अजीत सिंह ने ही किया है। अजीत सिंह, अजीत सिंह। शंभुनाथ जी, कहते हैं मरने वाला झूठ नहीं बोलता, मरते वक्त भी काली की जुबान पर उस अजीत सिंह का ही नाम था। शंभुनाथ, मेरे ख्याल से लाला ठीक कहता है, मेरी मानो तो जेल पर पहरा लगवा दो। शंभुनाथ एकदम शक्ति आदमी है, बेकार में हम लोग का ड्यूटी यहां लगा दिया। नींद नहीं आए काली काली रातों। भूत नहीं, मैं हूं जेलर शमशेर सिंह कल्लू। कल्लू, आपकी ये हालत जेल साहब किसने कर दी? तुमने अजीत सिंह, तुमने मेरे साथ चालाकी की, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अरे वो नोट छापने की मशीन देने के बजाय टिन का डब्बा दे दिया तुमने। 8 घंटों से मैं नोट छापने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे नोट तो नहीं छपी, पूरा मैं छप गया। आपका नाम कल्लू नहीं लल्लू होना चाहिए, लल्लू। देखो देखो ये क्या? जी 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 जी, बच्चों के लिखने की सियाही से नोट छाप रहे थे आप? मतलब? अरे नोट छापने के लिए कोई और स्याही होती है, स्पेशल स्याही होती है। अच्छा, वो कहाँ मिलती है? वो शहर में मिलती है, और आज
मुझे फिर शहर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम आज यहाँ से अकेले नहीं जाओगे, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, अरे अजीत सिंह वहाँ क्या कर रहे हो तुम? रेडी हो गए तो चलो जल्दी, चलो। सभा का टाइम हो रहा है बच्ची, चलें क्या? चलो। इस ससुरी गाड़ी को आज ही खराब हो रहा था। एक काम करें, जेलर की गाड़ी में चलते हैं। चलो। अरे जेलर, जेलर, अरे जेलर, जेलर, जरा हमें टैगोर हॉल छोड़ दो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नहीं भैया, मैं उस रास्ते से जा नहीं रहा हूँ, वैसे भी देर हो रही है मुझे। अरे बच्ची, ये क्या दादागिरी है? हम शराफत से कह रहे हैं और तुम मान नहीं रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, आगे आ जाओ, इधर से बैठो। नहीं नहीं, हम पीछे आराम से बैठेंगे। आओ बच्ची, आइए। चलो जलर, आज तुम्हें भी मौत करा देते हैं। अरे जेलर, जेल में सब ठीक तो है ना? वो अजीत सिंह का जरा खास ख्याल रखें, वो हमारे शंभूलाल जी का खास आदमी है। बड़ी ठंड लग रही है। कहे जलर साहब, इतना तेजी में काहे गाड़ी चला रहे हैं? ठंडी लग रही है आप दोनों को? हाँ, लीजिए आप कंबल ले लीजिए, मैं बगैर कंबल के सो जाऊंगा। आप मेरी बात फिक्र है ना जी? जेलर सुना क्या कहा? मेरा ख्याल रखना, मैं तो बस आपको बहुत आभारी हूँ, आप बहुत महान हैं जी। अग्रवाल साहब ये प्रदेश के पहले मंत्री होंगे जो नारियों की उन्नति और उनके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, और आज इसीलिए इस विशाल रैली का आयोजन किया गया। अरे लाला, सब इंतजाम ठीक है ना? इंतजाम बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने में आपका जवाब नहीं है। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के मामले में बिल्कुल बच्चे हैं। सुबह से शाम हो गई है, आपने अब तक कुछ खाया नहीं? हम कब खा लीजिए, हम कब भूखना ही। अच्छा, कुछ खा नहीं सकते हैं तो कम से कम एक गिलास जूस पी लीजिए। अबे लाला, अभी जूस वूस पीने का टाइम नहीं है। जूस पीने में क्या टाइम लगेगा, जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा। ठीक है, मंगवा। अरे वेटर, एक गिलास जूस लेकर आना। महाभारत का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, अब इस गोली की कृष्ण लीला देखना। ये जो भारतीय नारी को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने आप जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगा। शंभुनाथ जी, जूस। शंभुनाथ जी, आज औरतों की इस विशाल रैली पर, आज अगर आपने औरतों के दिलों पर अपनी इमेज का अकाउंट खोल लिया तो आपकी जीत निश्चित है। इस सम्मेलन में उपस्थित मेरी माताओं व बहनों, हमारे प्रिय नेता श्री शंभुनाथ जी के दिल में आपका क्या स्थान है? वो आपके उद्धार व विकास के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? आज इस मंच पर वो खुद आकर आपको बताएंगे। लीजिए, श्री शंभुनाथ जी आ गए। अब हमारी महिला कार्यकर्ता श्री शंभुनाथ जी को फूलों के हार अर्पण करेंगी। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले।
सीधा उतराना यारा झूम झूम के होले 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 मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ माने न के न पागल मस्त कौन सा दिल ये रोले होले 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 छमुला क्या हो गया तुझे मैंने अपनी जिंदगी में बड़े नेता देखे हैं मगर इस जैसा बदतमीज नेता आज तक नहीं देखा मंत्री जी आप यहाँ महिलाओं का उद्धार करने आए हैं या छेड़खानी आप जानते नहीं हम कौन हैं अबे लाला तूने क्या पिला दिया इसको मैंने क्या पिलाया मैंने तो सिर्फ इसे जूस पिलाया था अच्छा अगर जूस पिलाया था तो इसको ये नशा कैसे हो गया क्या मतलब तुम मुझ पे शक कर रहा है लगता है इसे कुर्सी का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है अरे चढ़ गया ऊपर रे चढ़ गया ऊपर रे गुजरिया पे लोटन कबूतर रे पुटुर 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 गुटुर 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 पंछी दीवाना पाए जाना आए वो ही मुड़ मुड़ के गुजरिया पे हो गुजरिया पे हो गुजरिया पे लोटन कबूतर रे चढ़ गया ऊपर रे गुजरिया पे अरे अब आगे का आंखों देखा प्रोग्राम मुझ तक पहुंचा देना ओए ओए वो तो अच्छा हुआ कि हम वहाँ मौजूद थे और तुम लोगों को बचा कर यहाँ ले आए वरना शंभुनाथ के साथ साथ तुम सब मार खाते शंभुनाथ जी मैं थारी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने जूस में कुछ नहीं मिलाया वो तो हम भी जानते हैं कि जूस तुमने नहीं बदला तुमसे बदलवाया गया है लेकिन किस पार्टी ने तुमको रिश्वत दी हमको बताओ मैंने किसी पार्टी से रिश्वत नहीं ली तुम सीधे सीधे बताते हो या हाथ उठाओ डोंट फॉरगेट मिस लाला की हमारी असलियत क्या है हमने कपड़े जरूर शरीफों के पहन रखे हैं लेकिन इन कपड़ों के पीछे आज भी वही खूनी कैलाश नाथ नारंग है जिसे कभी खून देखे बगैर नींद नहीं आती थी कारे डालवा तेरे को खून देखे बिना नींद नहीं आती था तू ही को मारेगा अरे हमारे साथ खाने पीने उठने वाला आदमी है और तू ही को मारेगा हम पूछा था क्या गलत किया इसने क्या गलती किया अरे उन्होंने जो जनता को दिखाया वो तो हम करते हैं ना हम हरामी नहीं है का तू हरामी नहीं है अरे ये भी कुछ कम नहीं हमेशा हमको पूछता है कि शंभुनाथ जी कभी तो भी एक बार गुलाबों के साथ सच है ना लाला सच है ना अरे हंसता है अरे देखो चिरकुट पुलिस चीफ इसका मजा कुछ और अरे हम जब कभी गुलाबों के साथ जाते हैं ना तो ये उनकी नौकरानी के साथ अरे देखो तो इनका चेहरा कैसा अरे इसीलिए तो इनकी बीवी छोड़कर चली गई अच्छा हुआ कि हमने शादी नहीं की नहीं तो हमारी बीबी भी किसी ड्राइवर के साथ भाग चली जाती ना बिल्कुल वाह शमदाद वाह अरे काली चिरकुट Thank you.
सोचा था कि मंत्री होने के बाद अपने हाथों से किसी को नहीं मारेंगे, पर ये चिरकुट तो हमसे पूरे 24 करवा ही लिया। टपका दिया। आप टपकाने में बहुत जल्दबाजी करते हो शंभुनाथ जी। अरे ये सच है कि वो अजीत सिंह ही जेल से निकल के सब करता है। साथ मिला हुआ है। हमने खुद अपनी आंखों से उसे जेल से बाहर निकलते देखा है। उसी ने हमारी ये हालत कर दी है। अटेंशन, ये नया जेलर बड़ा कड़क है। शक्ल देखी टकले की? सीएम के स्पेशल ऑर्डर पे आया हुआ है। प्रेशर बढ़ाओ। तो ही थी तेरी महाभारत। अरे कमाल का खिलाड़ी है रे तू। तूने कहा था कि तू महाभारत दिखाएगा, दिखाया तूने। हम नहीं समझा। हमरी ही हाथों हमरी कुर्सी के दो पैर तुड़वा दिए तूने, इस पर भी नहीं समझा। अरे हम तो सचमुच का चिरकुट निकला रे चिरकुट। चिरकुट नहीं, बुड़बक। चिरकुट तो वो होता है जो एक बार गलती करे, और बुड़बक वो जो बार बार गलती करे। अरे तू क्या समझता शंभुनाथ, तेरी ये जंजीरें मुझे रोक सकेंगी? नहीं, जिसे जेल की सलाखें नहीं रोक सकी, उसे ये जंजीरें क्या रोकेंगी? वाह रे कलियुग का अर्जुन, वाह। अरे तूने महाभारत तो शुरू कर दी, लेकिन उसे ढंग से पढ़ा नहीं। अरे दुर्योधन की जिंदगी और मौत का फैसला तो सबके बाद में होता है ना। उससे पहले होता है द्रौपदी का चिरहरण और अभिमन्यु का वध, यानी कि तेरी बेटी पालमपुर मामू के घर में रहती है ना। हरामजादे, तूने मेरी बच्ची और बीवी को छुआ भी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे उनका हम नहीं छूंगा, छुएंगे हमरे आदमी, और तू बचा भी नहीं सकेगा उनको। शंभुनाथ, जेलर मारना चिरकुट को। जब किसी मुजरिम को जेलर पठानिया की जेल में भेजने की सजा मिलती है, वो चीखता है, नहीं, इससे अच्छा है मुझे फांसी दे दो। जानता है क्यों? अजीत। अजीत सिंह, तरस आ रहा है तुझ पे मुझे। अजीत सिंह, यहां तेरे जिस्म की एक एक नस तोड़ी जा रही है, वहां दूसरी तरफ तेरी बीवी की इज्जत और तेरी मासूम बेटी की एक एक हड्डिया। कौन है, कौन है आप लोग? मामू, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। वहां
वहां दूसरी तरफ तेरी बीवी की इज्जत और तेरी मासूम बेटी की एक एक हड्डियां। चली गई।
गुड्डी चली गई। सिंह एक घायल शेर बन गया है, उसे काबू में करना तो दूर की बात है, इस वक्त उसके सामने जाने का मतलब है मौत। सिर्फ विक्रम अपने भाई को काबू में कर सकता है। सुनो विक्रम, तुम्हें एक काम करना होगा, हम तुम्हें एक इंजेक्शन देंगे बेहोशी का, किसी तरह अपने भाई के पास जाओ और उस इंजेक्शन को उसे लगा दो, उसके बाद अजीत सिंह हमारे काबू में आ जाएगा। लेकिन सर मैं ये काम से नो विक्रम, एक तरफ अपने भाई के साथ एक छोटा सा मामूली सा धोखा है और दूसरी तरफ हम सब की तबाही। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। उस सुई में बेहोश करने की दवा नहीं बल्कि मौत का जहर साइनाइड होगा, ताकि सुई चुभाने का मतलब हो उस चिरकुट की मौत। मतलब एक तीर और दो शिकार नहीं बल्कि दो तीर और एक शिकार। अगर अजीत सिंह का भाई उसे इंजेक्शन नहीं दे पाया तो डॉन का आदमी अजीत सिंह को जरूर गोली मार देगा। भैया मैं हूं, मैं विकी, विकी। हां भैया विक्रम, विक्रम विक्रम, अच्छा हुआ तू आ गया रे। मैं जानता था तू आएगा, मैं जानता था तू जरूर आएगा। तू खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया तो। जिस भाई ने अपने खून पसीने से हमें पाला, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, तू उसे दुश्मनों के हाथों मरवा चला था। तूने मुझ पे हाथ उठाया? अरे तेरा तो आज मैं खून भी कर डालूं तो भी कम है। जो भक्त वो हो जाए किसका भी वो जवानी, जो कुछ हुआ वो भूल जा, दिल में नई शम्मे जला, जो कुछ हुआ वो भूल जा, दिल में नई शम्मे जला, दुश्मन हमारे बहुत है।
आपके यहाँ आने का किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, जो मिशन मुझे दिया गया था उसे मैंने पूरा कर दिया है। इस कैसेट में वो तमाम सबूत हैं जो शंभुनाथ को दुनिया की किसी भी अदालत में कातिल साबित कर देंगे। मिस्टर अजीत सिंह, कल केंद्रीय मंत्री और शंभुनाथ एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब शंभुनाथ ने अपनी पार्टी का विलय केंद्र की पार्टी में कर दिया है, और वो मंत्री जी जिनके कहने पर तुम्हें ये मिशन दिया गया था आज शंभुनाथ के साथ एकता समारोह मनाने आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उनकी पोल जनता के सामने खोल के रहूंगा। कैसे अजीत सिंह, तुम तो खुद जेल से भागे हुए एक खूनी और मुजरिम हो। आप होश में हैं मिस्टर मेहरा, क्या ये भूल गए? इस मिशन को अंजाम देने के लिए मुझे खुद देश की सरकार ने यहाँ भेजा था, और इसके लिए मुझे स्पेशल पावर्स दी गई थी। इसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। मिस्टर अजीत सिंह, तुम मुजरिमों की चालों को तो समझ सकते हो, पॉलिटिशियंस की नहीं। तुम्हारी स्पेशल पावर्स के सारे ऑर्डर्स और रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए गए हैं। अब तो इस बात का कोई सबूत नहीं कि तुम्हें किसी मिशन पर भेजा भी गया था। किस सबूत की बात करते हो मिस्टर मेहरा? इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरा हंसता खेलता संसार उजड़ गया, क्या ये सबूत नहीं? मेरी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया इस मिशन पर बलि हो गई, क्या ये सबूत नहीं? मेरी बीवी एक इंसान की जगह चलती फिरती लाश बन गई, क्या ये सबूत नहीं? इस मिशन के लिए ये घाव, क्या ये सबूत नहीं? देखो अजीत सिंह, अब तुम्हारी इन जज्बाती बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुलिस तुम्हारे चारों तरफ अपना जाल बिछा चुकी है। अब तो इस वॉकी टॉकी पर मेरे बोलने की देर है। तुम और तुम्हारे भाई गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। तुम लोगों की सियासत की शतरंज की इस चाल में मैं तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन अब तुम सबको आबाद नहीं रहने दूंगा। तुम सबको आबाद नहीं रहने दूंगा, और इस बर्बादी का पहला मोहरा बनोगे तुम। अरे मैंने अजय सिंह, ये क्या कर रहे हो? अरे भैया, हम अफसर तो पॉलिटिशियंस के गुलाम होते हैं, और मेरे पीछे मेरा परिवार है। मेरे पीछे मेरा परिवार नहीं था अजय सिंह, तुम्हें भगवान का वास्ता है। बहुत प्यार है भगवान से। तो ठीक है, तुम्हें भगवान के पास ही भेज देता हूं। आप बोलो मेहरा साहब, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है शंभुनाथ कि तेरा अंत आ गया है। कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह, तेरा काल शंभुनाथ केंद्रीय मंत्री के साथ एकता समारोह में जा रहा है, मैं भी वहां आ रहा हूं। आज अपने आप को बचा सकता है शंभुनाथ तो बचा ले। अरे ओ चिरकुट, एकता समारोह में पहुंचने की बात तो बहुत दूर की रही, एकता समारोह के रास्ते में आके दिखा, हम तुको मान जाएंगे। चले। हे ईश्वर, मेरे पति जिस सच्चाई की जंग के लिए लड़ने जा रहे हैं,
वहां उनकी विजय हो। अरे सुहाग की रक्षा करना। शंभुनाथ कहाँ है? वो तो दूसरे रास्ते से चलेगा। ये काफला तो आपको धोखा देने के लिए था। भैया चलो एकता समारोह। बैठो बैठो, बैठिए। शंभुनाथ जी कहाँ है? ये जो आपने विलय किया है, क्या इसकी कोई खास वजह है? अरे वजह तो दुश्मनी में होती है, प्यार मोहब्बत में नहीं। लेकिन उसकी आज ही अचानक करने की जरूरत क्या पड़ी? अरे ओए चिरकुट, कैसा पत्रकार है रे तू? देश के हाल के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है का? हर तरफ झगड़ा दंगा फसाद हो रहा है और एक ही इलाज है और वो है जनता में एकता। और अगर राजनीतिक दलों में एकता नहीं है तो जनता में एकता कहां से होगी? होगी का? इसीलिए इस देश की भलाई के लिए, इस जनता की भलाई के लिए हमने एकता की है, विलय किया है। सच तो यह है शंभुनाथ जी कि रोज रोज के इन विलयों और विभाजनों से राजनीतिक दल दल नहीं रहे, दलदल हो गए हैं। अरे तो क्या हुआ, दलदल में ही कमल खिलते हैं ना और लोग धसते हैं। शंभुनाथ जी क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने राजनीतिक करियर में कितने विलय किए और कितने दल बदले? अरे ओ चिरकुट, अरे हम चाहे कितनी बार दल बदले लेकिन हमारी नीतियां नहीं बदली। तो क्या बदलेगा शंभुनाथ? तो जैसे कुत्तों की एक ही नीति होती है और वो है कुर्सी की नीति। आप सबको अपनी जान प्यारी है तो जहां खड़े हो वहीं लेट जाओ। अरे देखते कहा हो, ऐसा खतरनाक मुजरिम मारने में हमरा पुलिस चीफ शहीद भी हो जाए ना, हमें परवाह नहीं। क्या कर रहे हो?
अजीत क्या कर रहे हो, पागल हो गया तुम? शंभुनाथ, आज तू भाग के नहीं जा सकता, क्योंकि आज मेरी महाभारत के आखिरी अध्याय का आखिरी दिन है। आज तेरा हश्र देखकर अशोक नगर में ऐसे कोई दूसरा शंभुनाथ पैदा नहीं होगा। शंभुनाथ, देखा कुदरत का इंसाफ, आज तकदीर तुझे ठीक उसी जगह ले आई है जहां तेरे बुत बनाने का हर साजो सामान मौजूद है। कुत्ते, तूने मेरे दोस्त चौहान का बुत उसे मारने के बाद बनाया था, लेकिन आज मैं तेरा बुत तुझे जिंदा रखकर बनाऊंगा। जुल्म और अत्याचार का अंत हमेशा जनता ही करती आई है, आज भी ऐसा ही हुआ। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, राजनीति को गंदा करने वाले शंभुनाथ का अंत हुआ, और अजीत सिंह ने कानून के प्रति आस्था रखते हुए खुद को कानून के हवाले कर दिया। इसके बाद सरकार ने एक जांच कमीशन की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए की कि अजीत सिंह को शंभुनाथ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए स्पेशल पावर्स देकर मिशन पर भेजा गया था या नहीं। अब फैसला सरकार के हाथ में है। अपनी और अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगाने वाले अजीत सिंह को वो सम्मान देती है या सजा। Wow.